बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज भारत के इस मशहूर और तारीखी शहर हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 26वें इजलास की पहला सेशन वर्किंग कमेटी के मेंबरान का हुआ और बहुत लंबा हुआ, जिससे अभी हम लोग फारिग हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जो बुनियादी बात तय हुई है वो आप सबको मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। ये फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है, वर्किंग कमेटी की के तमाम अराकीन की मुत्तफ़िका राय से आपके सामने पेश किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद के बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़, यानी बाबरी मस्जिद के बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड, बाबरी मस्जिद के सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है कि ये मस्जिद है और जिस जगह एक दफ़ा मस्जिद बन जाती है वो क़यामत तक के लिए मस्जिद रहती है। मस्जिद के सिलसिले में जब भी हिंदू मजहबी रहनुमाओं की तरफ से मुसालहत की पेशकश हुई, बोर्ड ने कभी इनकार नहीं किया, बल्कि उनसे मुनसिफाना और बाइज्जत हल पेश करने का मुतालबा किया। लेकिन उन तमाम का हमेशा एक ही जवाब रहा कि मुसलमान यकतरफा तौर पर मस्जिद से दस्तबरदार हो जाएं, मगर मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी मस्जिद को गैरुल्लाह की इबादत के लिए देना कतअन हराम है और शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मुसलमान ऐसा करेंगे तो इंदल्लाह जवाबदेह होंगे। बोर्ड का यही मौक़िफ है। मामला अदालत आलिया में है, सुप्रीम कोर्ट में है। बोर्ड ने फैसला किया है कि अदालत का जो भी फैसला होगा कानूनी तौर पर उसे माना जाएगा। कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है वो अकीदा और आस्था का नहीं है, वो हक़ मिल्कियत का है। इसलिए उम्मीद है कि फैसला मुसलमानों के मौक़िफ़ के मुताबिक होगा। अगर ऐसा हुआ तो न ये किसी की जीत होगी और न किसी की हार, बल्कि इंसाफ की फतेह होगी। अब मैं गुजारिश करता हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि वो इसी मजमून को अंग्रेजी में आपको पढ़कर सुनाएं। उमरैन हैड रेड आउट द स्टेटमेंट which was decided unanimously in the working committee. The gist of the Urdu translation is this, that the All India Muslim Personal Law Board reiterates its resolution dated December 1990 and January 93 and once again emphasizes the basic level of Sharia, that the land dedicated for masjid cannot be sold, gifted or in any way alienated. If once dedicated, it vests in Allah. All the attempts to negotiate the settlements in past have been infructuous, and there is no proposal offering settlement without sacrificing the basic tenant has ever been put before the board. This is the statement, and I would request my friends over here, Mr. Majid, to please kindly distribute these statements passed by the press release today of the working committee decision. So thank you so much. This is what we have to say, and I would request you to please have dinner and go because you have waited here for a very very long time. You already had. Thank you so much. So that is why आप लोग आराम से बैठे हैं, तो हमको इजाजत दीजिए। अभी सवालात सुनिए, सवालात नहीं होंगे। रात के 11 बज रहे हैं, प्राइम टाइम भी हो चुका है, तो आपसे गुजारिश है कि इंशाल्लाह 11 तारीख के दिन आप लोग भरपूर सवालात कर सकते हैं। मौलाना उमरैन रहेंगे, हमसे बड़े भी बुजुर्ग रहेंगे, तो ये स्टेटमेंट आप तक पहुंचाना था। शुक्रिया।